आपको मेरी हर बात लड़ाई क्यों लगती है अम्मी? क्या मैं अपने हक की भी बात नहीं कर सकती? इन्होंने आपके मुंह पे थप्पड़ मारा है और मैं कुछ भी ना कहूँ। अरे चुप रहो, बस बकवास किए चली जा रही हो। तुम जैसी लड़कियों का ना जिनके दीदों का पानी मर गया होता है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और तुम्हारी जैसी आवारा और बदमाश लड़कियों से निबटना भी जानती हूँ मैं। बस कर दे आप, बस कर दे आप, अंदर चलो, तुम अंदर चलो, मोहल्ले वाले। मैं भी जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग भी तैयारी पकड़ो। वो छोड़ देगा उसे? फिलहाल उसके लिए मुश्किल है, लेकिन इना वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। ठीक है, आने दो उसे सैटरडे को, पता चल जाएगा। और अब मैं बात करूंगी उससे, तुम बीच में एक लफ्ज नहीं बोलोगी। अब जो करना है मैं ही करूंगी। आपकी लाडली सारा ने हाथ उठाया है मेरी माँ पे, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहती है मैंने अपनी अम्मा से कि वो यहां रहेंगी इस घर में मेरे पास। सारा ने आपा पे हाथ उठाया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठी, मेरी अम्मा झूठी, लेकिन सारा और सारा के घर वाले सच्चे। हाथ उठाया खाला जान उसने मेरी माँ पे, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ना मैं अपनी माँ को उस घर में मार खाने के लिए छोड़ सकती हूँ, ना वो वहां पे रहेंगी, वो यहाँ रहेंगी इस घर में, बस।